But sir, how many colleges in India have started without any infrastructure? The second question is, how many colleges foundation laid by the Prime Minister of India and not yet taken up, even from the first place? Question over, sir. We bother to have been wrote night. Sir, many things have been listed. Sir, I said a pertinent question. Two questions have been put by me. All pertinent. How many colleges pending without infrastructure started? How many colleges have been started without infrastructure? Second question, how many colleges the Prime Minister of India has laid the foundation, not has started from the foundation? सवाल मधुराय एम्स का है और ये स्टेट को ऐसे गुमराह कर रहे हैं कि मदुराई में एम्स नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मदुराई में ऑलरेडी एम्स हो गई है, वहाँ एम्स का एजुकेशन चालू हो गया है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी है, एजुकेशन चालू हो गया है, वहाँ बच्चे पढ़ने लगे हैं। सवाल इतना है, पहले लैंड नहीं मिली थी, अध्यक्ष महोदय समझने जैसा है। नाउ एंड टुडे मेडिकल MBBS कोर्स इज ऑन गोइंग इन एम्स मदुराई। Why are you giving to your state, giving to wrong information? Madurai education chalu hai, Madurai mein director hai, Madurai mein aims mein study ki jati hai, keval infrastructure unhone pehle time pe land allot nahi kiya tha. Dusra, 1900 crore rupya allocate kiya gaya hai, uske liye agency fix ki gayi hai, tender hone ki disha mein aage kaam badh raha hai, sari cheez aapko pata hai. सभी लोगों ने मुझे लेटर लिखा है, मैंने उसको डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन राजनीति ही करना है, उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। हम मोदी जी ने एम्स दिया है, तमिलनाडु में आज एम्स का एजुकेशन चालू है, वहाँ स्टूडेंट की पढ़ाई हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। उसको देख। But sir, how many colleges in India has started without any infrastructure? The second question is, how many colleges foundation laid by the Prime Minister of India and not yet taken up, even from the first break? Question over, sir. मदुरई एम्स पे ऑलरेडी पहले चर्चा हो चुकी पिछले सदन में, खुद गवाह। मिनिस्टर हैज टू आंसर। माननीय अध्यक्ष महोदय, डोंट वरी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर हैज टू रिप्लाई देता हूं। वी बालू जी, आई एम गिविंग रोड राइट टू यू। सर, लेट मी रिप्लाई टू दिस स्टेट। सर, आई सिट ऑल पर्टिनेंट क्वेश्चन, टू क्वेश्चंस हैव बीन पुट बाय माननीय अध्यक्ष महोदय। ऑल पर्टिनेंट, हाउ मेनी कॉलेजेस पेंडिंग विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टेड? How many colleges have been started without infrastructure? Second question, how many colleges the Prime Minister of India has laid the foundation, not has started from the foundation, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिक्स तो हर मुद्दे पे हो सकता है, मैं मानता हूँ कि यहाँ जिस तरह का पॉलिटिक्स हो रहा है, सवाल मदुराई एम्स का है और ये स्टेट को ऐसे गुमराह कर रहे हैं कि मदुराई में एम्स नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मदुराई में ऑलरेडी एम्स हो गई है, वहाँ एम्स का एजुकेशन चालू हो गया है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी है, एजुकेशन चालू हो गया है, वहाँ बच्चे पढ़ने लगे हैं। सवाल इतना है, पहले लैंड नहीं मिली थी, अध्यक्ष महोदय समझने जैसा है। मैं ये सदन के द्वारा तमिलनाडु की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिना कारण से पॉलिटिकल मुद्दा बना के वो वहाँ राजनीति कर रहे हैं। नाउ एंड टुडे मेडिकल MBBS कोर्स इज ऑन गोइंग इन एम्स मदुराई। व्हाई आर यू गिविंग टू योर स्टेट, गिविंग टू रॉन्ग इंफॉर्मेशन? मदुराई एजुकेशन चालू है, मदुराई में डायरेक्टर है, मदुराई में एम्स में स्टडी की जाती है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने पहले टाइम पे लैंड अलॉट नहीं किया था। दूसरा, जायका फंडेड प्रोजेक्ट होने से दो साल तक वहां से जापान से लोग, जायका के लोग यहाँ विजिट नहीं कर पाए और उसका एस्टिमेट डबल हो गया। जो पहले एम्स होनी थी उससे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उसके लिए 1900 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है, उसके लिए एजेंसी फिक्स की गई है, टेंडर होने की दिशा में आगे काम बढ़ रहा है, सारी चीज आपको पता है।
सभी लोगों ने मुझे लेटर लिखा है, मैंने उसको डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन राजनीति ही करना है उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। हम मोदी जी ने एम्स दिया है और तमिलनाडु में, मैं सदन को कहना चाहता हूँ, तमिलनाडु में आज एम्स का एजुकेशन चालू है, वहाँ स्टूडेंट की पढ़ाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया 1 डबल 2 और फिर पॉलिटिक्स करते रहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इट्स नॉट गुड, इट्स अ पॉलिटिक्स। आपके पास एजुकेशन चालू है कि नहीं? और दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, कई पीड़ा ये है, कई लोगों को पीड़ा ये है, कई लोग वहाँ मेडिकल कॉलेज में कम फैकल्टी कम पेशेंट से मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। मैंने एक्शन लिया है, उसका रिएक्शन आ रहा है, ऐसे मेडिकल कॉलेज में नहीं चलने दूंगा। जिस मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी ना हो, जिस मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, जिस मेडिकल कॉलेज में पेशेंट ना हो, ऐसी मेडिकल कॉलेज पर मैंने चकंजा कसा है, उसका रिएक्शन है और कुछ नहीं है, नहीं चलेंगे मोदी गवर्नमेंट में। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, कि दिस इज योर गवर्नमेंट है, वायदा का व्यापार नहीं करती है। वहाँ जिस तरह से मदुरई एम्स का काम चालू होना है, आप सहयोग करिए, आपके स्टेट में अच्छी मेडिकल अच्छी एम्स बन रही है, 1,900 करोड़ रुपए के खर्च पर हो रही है, उसका करो। स्पीकर सर, उधर करके बात करो। एक्शन तो होगा, जो मेडिकल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना चलाएंगे उसके सामने एक्शन होगा। माननीय मंत्री जी, सर सभा पटल पर रखा गया है, मैं व्यवस्था देता हूँ अभिराज, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ अभिराजे, मैं आप व्यवस्था अभिराजे में आप बैठ जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट प्लीज, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, ओके, मिस्टर बालू जी, यस, ओके, एक मिनट, प्लीज, ओके, एक मिनट, ओके, मैं एक मिनट व्यवस्था दे रहा हूँ ना, आप व्यवस्था दे रहा हूँ। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी ने दो बात कही है कि ऐसे कोई भी मेडिकल कॉलेज जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे उनको मैं चलने दूंगा, ये बात सही है, इन्हीं भी चलना चाहिए देश के अंदर। नहीं नहीं, एक मिनट बालू जी, मैंने आपको बुलाता हूं, आप मेरी पूरी बात सुनिए, ऐसे नहीं, अगर कोई आपके लिए नहीं, पूरे देश के अंदर उन्होंने कहा है कि ऐसे मेडिकल कॉलेज जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, फैकल्टी नहीं हो, उनको नहीं चलने देंगे। एक उन्होंने जनरल बात की जो होना भी चाहिए। दूसरा विषय जो उन्होंने कहा है उसको मैं देख लूंगा, उन्होंने जो दूसरा विषय, हाँ उसको मैं देख लूंगा, वह विषय मैं देख लूंगा, प्लीज, मैंने कहा वो विषय देख लूंगा, मैं रिकॉर्ड में देख लूंगा, उस विषय को रिकॉर्ड में देख लूंगा। कोई भी आरोप सदन में नहीं लगाए ऐसी व्यवस्था मैं कर दूंगा, प्लीज, आलोचना हो सकती है, आरोप नहीं लग देंगे, बैठ जाइए, ठीक है ना, मैं देख लूंगा ना व्यवस्था, मैंने आपको आश्वस्त कर दिया है,
मैंने आपको आश्वस्त कर दिया, प्लीज मैंने आश्वस्त कर दिया। हाँ क्या बोलना है? हाँ instead of blying a straightforward question, threaten us that the noose around us will be tightened. Who is he? Who is he? This is the answer for what is he blackmailing? Okay, मैं इसको देख लूँगा। Sir, उसको देख। Question number. केसी श्रीनिवासन, मैं देख लूँगा व्यवस्था। केसी श्रीनिवासन, मंत्री जी। सर सर माय स्टेट आंध्र प्रदेश मेंबर का क्वेश्चन है, ऐसे देख रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस ऑफ एनीमिया, मैं रिकॉर्ड को देखूंगा, मैं रिकॉर्ड को देखूंगा। एग्जामिन द रिकॉर्ड, प्लीज सिट डाउन। एग्जामिन रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज नॉट इवन यूटिलाइज 25% ऑफ द फंड। एग्जामिन कर लूंगा रिकॉर्ड को, गरम परंपरा नहीं, कोई बैठे ऐसा नहीं चलेगा सदन। चलिए माननीय सर पूछिए। बालू जी प्लीज बैठिए, मैं रिकॉर्ड को देख लूंगा, मैंने बोल दिया। चलिए